त्रिपाठी से मिल रहे हैं हम लोग, जिन्होंने सीएमआई में भी क्लियर किया, केवीपीवाई भी क्लियर किया, एनटीएससी स्कॉलर भी है, जीडब्ल्यूई में भी अच्छा किया। तो प्रतीक जी, कैसा लग रहा है आपको इतना अच्छा करने के बाद? अच्छा लग रहा है। इट इज ओनली हार्ड वर्क व्हिच अचीव एंड नथिंग एल्स। तो आप जो इतने टाइम पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन में कितना पढ़ाई करते थे आप, कुछ आवर्स में काउंट करके बता सकते हैं? 5 घंटा 6 घंटा जब स्कूल नहीं रहता है तो। और जब स्कूल रहता है सीधे तो स्कूल में सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ाई करता था, फिर ब्रेकफास्ट और बस। अच्छा, और जो आपने जीडब्ल्यूई का पेपर दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसमें कितना कितना टाइम किस पार्ट में लगाया? हाँ, फिजिक्स में मेरा आधा घंटा लगाया, केमिस्ट्री में भी 20 मिनट्स और मैथ्स में 1.5 आवर। ओके, तो आपको सबसे आसान इसका मतलब केमिस्ट्री लगा? हाँ, केमिस्ट्री में बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो जल्दी। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप कहाँ से हेल्प लेते थे, क्या लेते थे? एनसीईआरटी जेई मेंस में तो एनसीईआरटी से ही करना है सब, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जी एडवांस के लिए एनसीईआरटी से करना है, और थोड़ा रिएक्शन उसको थोड़ा डेप्थ में देखना है एक बार, मैकेनिज्म वगैरह। और कितना फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत किया, वहाँ कैसे मेहनत किया, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ऑन किया? मैंने केसीएस का किया और एनसीईआरटी बुक से किया, और मैं इंटरनेट से अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो देख रहा था। ओके, तो जो केसीएस का स्टडी मटेरियल या केसीएस की जो टीचर्स हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इट वाज वेरी गुड, दे आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एंड एनी डाउट व्हिच आई हैड। और उनका कोर्स वर्क सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। तो आपको क्लासेस अटेंड करने में आनंद आता था कि नहीं? कितना एंजॉय करते थे, मतलब जैसे क्या क्वेश्चंस के आप रिप्लाई करते थे उसमें? बहुत मजा आता था, करता था और डाउट्स भी पूछता था। और टेस्ट वगैरह में आपकी परफॉर्मेंस केसीएस में कैसी रहती थी? अच्छा ही रहता था, 1-2-3 भी रहते थे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो आपने ध्यान रखी और जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिली? बुक्स को तो लर्न करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स करना पड़ेगा, जो चैप्टर्स में लाइक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर्स हैं तो उसमें अच्छे से लर्न करना, छोटे छोटे चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीबीएसई लेवल से थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिक्स का तो सीबीएसई लेवल थोड़ा सा है। और हायर लेवल कैसे करना उसका फिजिक्स का? हायर लेवल तो लाइक सीबीएसई में यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही क्वेश्चन को हम लोग जेईई मेंस में थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप से सॉल्व करते हैं। तो मेथड इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट के साथ, बट वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे जरूर याद रखना। ओके, और कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में अगर आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे? जितने भी घंटे पढ़ो, बट लाइक जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन बाद भूल जाओ टाइप का पढ़ना। आप जैसे बताया करीब 5-6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी होती थी जिस दिन स्कूल। हाँ, घर आके जब भी फ्री टाइम हो तो पढ़ना, एक्सेसिव भी नहीं करना चाहिए नहीं तो सब भूल जाओगे। तो आप खेलते भी थे या नहीं? हाँ, मैं खेलता था, अभी तो थोड़ा बंद हो गया कोविड के कारण, बट अगर नहीं होता तो मैं कंटिन्यू कर सकती। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे, कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लान किया है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक प्लान तो नहीं किया, आईआईटी मिल जाए तो ज्वाइन करना है, या और कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए रेप्यूटेड तो भी जाना।
उसमें कोई स्ट्रीम भी सोचा है कि कंप्यूटर साइंस या ऐसा कुछ या मैथ्स मैथमेटिक्स या कंप्यूटिंग कुछ ऐसा या इंजीनियरिंग फिजिक्स? नहीं, कंप्यूटर साइंस ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं कंप्यूटर में करता भी हूँ कोडिंग। तो अच्छा, आप कोडिंग भी करते हैं? तो आप काफ़ी काम करते हैं, कोडिंग भी करते हैं, जेई का पेपर भी अच्छे से देते हैं और साथ साथ बिना मतलब कहे कि हम अच्छा कर रहे हैं CMI भी KVPY भी, तो लगता है कुछ नई चीज़ बढ़िया चीज़ खाते होंगे घर में? नहीं, ऐसा मैं नॉर्मली खाना नॉर्मली खाना खाते हैं। तो प्रतीक ने बताया कि एक कंसिस्टेंटली पढ़ना और चैप्टर्स को रिवाइज करना और बेसिक लेवल यानी NCERT लेवल से बताया कि केमिस्ट्री को अगर पढ़ के हम जाएं तो भी JEE का पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपके भी जीवन में काम आएंगी और प्रतीक भी अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करें, कंप्यूटर साइंस में अच्छा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रतीक।